जहां स्मरण मात्र से मुक्ति मिल जाती है वह पावन स्थल है तिरुवन्नामलाई। अनगिनत सिद्ध और महान आत्माएं यहां वास कर चुकी हैं और कर रही है। यहां के सिद्ध आज भी अपनी तपस्या की शक्ति से भक्तों पर कृपा करते हैं, उनके कर्मों का बोझ हल्का करते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इन्हीं में से एक है अड़ी अन्नामलाई में जीव समाधि लेने वाले श्री अड़ी मुड़ी सिद्धर। उनके बारे में बहुत से लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। सिद्ध पुरुषों और उनके चमत्कारों पर अक्सर विद्वानों के अलग अलग विचार होते हैं। इस कलयुग में मानव जीवन में सुधार लाने वाले सिद्ध संत बहुत कम हैं। उनमें से एक प्रमुख नाम है श्री अड़ी मुड़ी सिद्धर का। लगभग 150 साल पहले तिरुवन्नामलाई घने जंगल और दुर्लभ जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। उस जमाने में गिरी प्रदक्षिणा का रास्ता बहुत ही कठिन था, पथरीला, संकरा और बिना रोशनी के। भक्तों के लिए यह यात्रा दुष्कर थी। इसी गिरी प्रदक्षिणा पथ पर एक महान संत अपनी कुटिया में शिष्यों के साथ रहते थे। उनके एक शिष्य थे अड़ी मुड़ी सिद्धर। सिद्धर सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और उनकी सबसे बड़ी भक्ति थी निस्वार्थ भाव से शिव भक्तों की सेवा करना। अड़ी मुड़ी सिद्धर अपने गुरु की सेवा में लगे रहते, पर समय मिलते ही गिरी प्रदक्षिणा मार्ग की सफाई करते ताकि भक्तों को आसानी हो। उनकी इस निष्ठा को देखकर आसपास के भक्त और श्रमिक भी इस कार्य में जुट गए। अड़ी मुड़ी सिद्धर एक अनूठी बात करते थे, जो भी श्रमिक सफाई में मदद करता उसे वे अपने हाथ से इनाम देते, पर जब वह इनाम की ओर देखता तो वह कचरा धन में बदल चुका होता। सिद्ध पुरुषों के ऐसे कई चमत्कार थे। यहां की दुर्लभ औषधियों से वे भक्तों के रोगों का भी इलाज करते थे। एक दिन उन्हें लगा कि अब जीव समाधि का समय आ गया है। उन्होंने शिष्यों से कहा, जब मैं ध्यान में गहराई से डूब जाऊं तो मुझे छुए बिना रस्सी से मेरे पैर बांधकर खींचते ले जाना। जहां रस्सी टूटे वहीं मेरा अंतिम संस्कार करना। शिष्यों ने गुरु आज्ञा का पालन किया। अड़ी अन्नामलाई में गौतम महर्षि आश्रम के ठीक सामने वह रस्सी टूट गई। वहीं पर उनकी समाधि बनाई गई। समय के साथ वह समाधि स्थल एक सांप का बिल बन गया। एक बार तूफानी बारिश में गिरी प्रदक्षिणा करते हुए एक भक्त को दूर से एक चमक दिखाई दी। पास जाकर देखा तो एक विशाल सर्प का बिल था। उसे अड़ी मुड़ी सिद्धर की महानता का एहसास हुआ और उसने वहीं ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों की तेज बारिश के बाद वह बिल कुछ कुछ पिघलने लगा और वहां अचानक एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। इसी शिवलिंग को केंद्र बनाकर वहां एक छोटा मंदिर बनाया गया। उस दिन से अड़ी अन्नामलाई गौतम आश्रम के पास भक्त श्री अड़ी मुड़ी सिद्धर के दर्शन करने आते हैं। उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं और जीवन में मंगल होता है। अरुणाचलम के परिक्रमा मार्ग में ही इनके समाधि स्थल हैं और परिक्रमा मार्ग में और भी बहुत सारे समाधि स्थल हैं। जब आप जाएंगे तो आपको दर्शन हो जाएगा। मैंने मुक्कुपोडी सिद्धर पे भी उनकी संक्षिप्त जीवनी बनाई है, तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं सुना है तो आप उसे भी सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।